जन्नत किसे कहते हैं? चलिए आज बात करते हैं। मैंने आज देखा अपनी आंखों से, मेरे ख्याल से शायद 30-40 साल एक दूसरे के साथ बिताए होंगे, एक छोटे से टू व्हीलर के ऊपर कस के एकदम चिपक के एक अंकल और आंटी बैठे थे। हाईवे पर साइड में कहीं जाके रोका और देखा कि वहां बारिश तो पड़ी रही थी लेकिन भुट्टा मिल रहा था, सेक के गर्मा गर्म नींबू मिर्च डाल के। और बस उन दोनों ने वहां पर भुट्टा खाया। बड़े प्यार से दुपट्टे से आंटी ने अंकल का चेहरा जो है वो साफ किया, दोनों बैठे और चल दिए वापस। ये पूरा का पूरा सीन शायद कुछ 10 या 12 मिनट का रहा होगा, लेकिन उन 10 या 12 मिनट में गाड़ी में बैठे बैठे मेरी आंखों के सामने इस सीन ने मुझे ये बता दिया कि शायद प्यार इसे ही कहते हैं। प्यार बड़े बड़े बंगलों में, हवेलियों में, महंगी महंगी गाड़ियों में नहीं होता, इन छोटे छोटे लम्हों में होता है, और शायद जन्नत भी यहीं होती है। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक, मेरी YouTube चैनल एकता इन लव पर। फिर मैं सोचने लगी, रास्ते में आते आते घर ये सोच रही थी कैसे कितने लम्हे होते हैं जो एक्चुअली जन्नत कह सकते हैं, जिन्हें कि हम जन्नत जी रहे हैं। तो मुझे याद आया, मैं बहुत थकी हारी एक दिन घर पे लौटी थी और लौटने के बाद ही जैसे तुरंत हाथ पांव धोने के बाद ऐसा लगा कि बस गिर जाऊं बिस्तर पे, सो जाऊं, आराम कर लूं। और मम्मी ने कहा, बैठ इधर, बाल देख कैसे हो गए। उनकी वो तेल की चंपी करना, पूरे दिन की थकान उतर गई मेरी। 15-20 मिनट के लिए तो ऐसा लगा जैसे शायद इसे ही जन्नत कहते होंगे कि ये हाथ हमेशा सदा मेरे सर पर रहे। हम सब शायद इसे जन्नत ही महसूस करते हैं ना, जब माँ बाबा हमारे अपने एकदम सुरक्षित हों, अपनी आंखों के सामने हो। वैसे इस जन्नत के खतरे में होने का डर जो है ना, वो महसूस किया है मैंने। माँ को जब कोरोना हुआ था ना, उस वक्त मेरे ख्याल से 8 दिन अस्पताल में दवाइयाँ, इंजेक्शंस, वो 8 दिन मेरे लिए मेरी अब तक की जिंदगी के सबसे ज्यादा दर्दनाक दिन थे, जैसे मैं डर गई थी कि मेरी जन्नत को कुछ हो जाएगा। माँ जन्नत ही तो होती है, उसका वो किचन में गुनगुनाना, 10 चीजें ऐसी कहना जो हमें पता है हम नहीं करने वाले, लेकिन उसका वो कहना, सुनाना, ताना मारना भी अच्छा लगता है। और कई बार वो सब सुनने के लिए ही हम ज्यादातर ऐसी चीजें कर जाते हैं कि हमें पता है वो चिढ़ेगी। आप जब किसी और के पसंद का गाना सुनते हैं, उनकी मनपसंद खाने की कोई चीज बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, आहाहा, शायद जन्नत वहां भी होती है। जन्नत उसे भी कहते हैं जब आधी रात तक आपको बिना किसी डर के किसी ऐसे इंसान के साथ बहुत सारी बातें करने का मौका मिल जाए जिससे आपको कोई डर नहीं लगता, आप महफूज महसूस करते हैं उनके साथ। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक शख्स भी ऐसा है जो आपको इतना महफूज महसूस कराए, जिसके साथ आप बेबाक, बिना किसी डर के, बिंदास बातें कर सके, तो उसे जन्नत कहेंगे। अपने दिल का हाल सुना सके तो उसे जन्नत कहेंगे, है ना। संडे, ये भागदौड़ की जिंदगी में कोरोना नामक चीज ने हमें रुकना और थमना तो सिखाया, लेकिन आज भी संडे मिल जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हैं जिनके लिए जिंदगी में कोई छुट्टी, आराम या संडे जैसी चीज नहीं होती, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे आसपास, तो जिन्हें नहीं मिलता ना, असल कीमत उन्हें पता होती है कि संडे क्या होता है, कितनी खूबसूरत चीज होती है, बिना अलार्म के उठना आराम से, मन करे तब नहाने जाना, बैठना, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि हाँ, ये जन्नत है। हाईवे के ऊपर का एक डिवाइडर और उस डिवाइडर के ऊपर कहीं किसी कोने में थोड़ी सी ऐसी जगह जहां एक पेड़ की छांव है, दो भिखारी हैं जो वहीं बैठे रहते हैं। दफ्तर आते जाते रोज उनको देखती हूं और शायद ये सोचती हूं कि ये पेड़ के नीचे का छांव वाला हिस्सा शायद इनके लिए जन्नत है।
क्योंकि इनके सर के ऊपर और कोई ऐसा ऐसी कोई छत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो इन्हें इस गड़कती धूप से बचाए। हम सबके पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी जन्नत है, और आई थिंक उन्हें याद करके ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। हम नहीं जानते कि हम अपने आसपास और जो जी रहे हैं कितनी सारी ऐसी नेमतें हैं। सो थैंक यू। मैं तो उसको दिन में पता नहीं कितनी बार थैंक यू कहती हूँ। आज रात आप भी थैंक यू कहकर सोने जाइएगा। उसे बहुत अच्छा लगता है जब हम उसे ये कहते हैं कि हमें कदर है तुमने जो जो दिया है उसकी, जो दिया उसका भी शुक्राना और नहीं दिया उसका तो डबल शुक्राना। हम नहीं जानते तूने हमें कहाँ कहाँ से बचा के रखा है, जो तूने दिया है ना वो जन्नत है। चलिए कल फिर 9 बजे मुलाकात होगी मेरी YouTube चैनल एकता इन लव पर।